चलिए आंसर बोला जाए। हाँ, 2 नंबर होगा। चलिए एक बार में पहले ए को देखा जाए, तो फर्स्ट से सेकंड में ए क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, कितना स्टेप? हाफ स्टेप। फिर सेकंड से थर्ड में 1 स्टेप, फिर थर्ड से फोर्थ में यहाँ से यहाँ आया 1.5, 1.5 स्टेप, फिर यहाँ से यहाँ अपोजिट हो गया 2 स्टेप, तो अब कितना स्टेप? 2.5 स्टेप क्लॉक वाइज की एंटी क्लॉक वाइज, तो आधा, 1, 1.5, 2, 2.5। बी के जगह पर कौन होगा? ए होगा। दूसरा, अब देखिए किसको? बी को। तो बी एंटी क्लॉक वाइज हाफ स्टेप हमेशा बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ आया हाफ स्टेप, फिर यहाँ से बीच में गया, तो एंटी क्लॉक वाइज हाफ स्टेप हमेशा बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉर्नर पर और आंसर हो जाएगा। बोला जाए ये बताइए कितना स्टेप बढ़ेगा? हाँ ठीक है, 1 स्टेप बढ़ेगा। कोई एक फिगर को पहले देखिए ना, सी को देखिए कितना स्टेप बढ़ा है, हाफ स्टेप, सेकंड से थर्ड में 1, यहाँ से यहाँ 1.5, यहाँ से यहाँ हाफ, तो सी रिपीट कर गया, हाफ के बाद फिर कितना बढ़ता है? 1, तो 1 स्टेप बढ़ेगा, तो यहाँ से यहाँ आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। आए हाफ के बाद, हाँ 1 होना चाहिए, तो ये आइए सी यहाँ कॉर्नर में आएगा तो क्या स्टेप, और फिर और आधा जाएगा तो सी यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर कौन नंबर में है? 2 नंबर। चलिए यूट्यूब पर देखिएगा, फिर उतारते रहिएगा।
बोला जाए। कौन आंसर होगा? पहले बीच वाले को ही देख लिया जाए। यह जो फिगर है, पहला बार यहाँ था, दूसरा बार यहाँ, तीसरा बार यहाँ, फिर चौथा बार यहाँ, पांचवा बार यहाँ, तो छठा बार फिर कहाँ जाएगा? फिर से देखिए, यह यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, फिर वापस लौट रहा है, फिर वापस लौट रहा है, फिर जाएगा तो कहाँ जाएगा? बीच में जाएगा। तो बीच में जाएगा तो आंसर दो नहीं होगा, तीन नहीं होगा, पांच नहीं होगा, होगा एक नंबर और के नंबर, चार नंबर। अब ये जो सन है इसको देखिए, तो यहाँ से यहाँ कितना बड़ा है? हाफ। फिर यहाँ से यहाँ गया तो डेढ़ स्टेप, फिर यहाँ से यहाँ गया हाफ स्टेप, फिर यहाँ से यहाँ गया डेढ़ स्टेप, तो फिर कितना स्टेप? हाफ स्टेप। तो हाफ स्टेप कौन में? तीन नंबर। लगता है तीन नंबर होगा, तीन नंबर गलती लिखा गया है ना? हाँ गलती हो गया है। कौन नंबर होगा? तीन नंबर, लिखने में गलती हो गया, यहाँ पर होगा। अब आपका आंसर सही, तीन नंबर ही होगा। फिर से ये कॉर्नर से यहाँ आया तो क्या स्टेप? हाफ स्टेप। कॉर्नर से यहाँ आया तो क्या स्टेप? हाफ स्टेप। आई देखिए यहाँ से यहाँ गया तो क्या स्टेप? तो हाफ और वन, वन एंड हाफ, डेढ़ स्टेप। आ फिर देखिए यहाँ से जस्ट यहाँ पर गया तो कितना स्टेप? हाफ। तो एक बार हाफ, एक बार डेढ़, एक बार हाफ, एक बार डेढ़, ऐसे बढ़ रहा। रेलवे में आजकल देख रहे हैं ग्रुप डी वाला में लोको पर्यटन में सीरीज का क्वेश्चन देने लग गया, बीच बीच में सब नहीं देता था। थोड़ा सा यहाँ पर सुधार कर रहे हैं। बोला जाए। पहले बोलिए तो फिगर क्लॉक वाइज रोटेट हो रहा है कि एंटी क्लॉक वाइज? देखिए फिगर का स्ट्रक्चर ऐसे है ना, तो ये राइट साइड मतलब क्लॉक वाइज बढ़ा कि एंटी क्लॉक वाइज? क्लॉक वाइज।
तो इसको कहिए आगे, ये एरो वाला पार्ट को क्या कहिए? आगे। इसको कहिए पीछे। आगे पीछे भी समझना जरूरी है, नहीं तो पते नहीं चलता है। तो आइए, सबसे अगला फिगर कौन है? सबसे अगला फिगर कौन है? टी। तो अगला फिगर को देखिए, टी कितना स्टेप रोटेट हुआ? हाफ स्टेप। और उसके पीछे का जो दो फिगर था उसके आगे आके लग गया। उसके पीछे दो फिगर कौन कौन था? स्टार और एम। वो क्या हो गया? उसके आगे आकर के लग गया। अब सेकंड से थर्ड में देखिए, बोलिए सबसे अगला फिगर कौन है? बोलिए सबसे आगे का फिगर एम है। तो एम अब वन स्टेप बढ़ा, तो वन स्टेप बढ़ेगा तो यहाँ पर आएगा ना कॉर्नर में, तो देखिए कॉर्नर में है। और उसके बाद क्या हुआ? पीछे का दोनों फिगर क्या हुआ? आगे आकर के लग गया। अब सबसे अगला फिगर कौन हो गया? टी। तो टी यहाँ से वन एंड हाफ डेढ़ स्टेप बढ़ा, तो डेढ़ स्टेप देखिए एक और आधा कितना? डेढ़। और उसके बाद क्या हुआ? पीछे का दोनों फिगर आगे आके लग गया। अब यहाँ से यहाँ तक कौन बढ़ेगा? एम बढ़ेगा। एक बार टी बढ़ता है, एक बार एम बढ़ता है, ये अगला फिगर एम हो गया। एम यहाँ से यहाँ बोलिए कितना स्टेप? यहाँ से यहाँ गया तो क्या स्टेप? दो स्टेप। अब पीछे का फिगर क्या हुआ? आगे आके लग गया। तो अब किसको बढ़ने की बारी है? टी को। कितना स्टेप? ढाई स्टेप। तो ढाई स्टेप में देखिए, यहाँ से यहाँ एक आधा, एक डेढ़, दो ढाई। टी कहाँ पर होगा? एम के प्लेस पर। तो किस में किसमें है? पांच नंबर में। अब पीछे का दोनों फिगर आगे लगेगा। फिर से टी यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या स्टेप? आधा, एक डेढ़, दो ढाई। यहाँ पर टी जाएगा, पीछे का दोनों फिगर कहाँ लग जाएगा? आगे लग जाएगा। क्या चे? क्या पांच में? अरे दिमाग खराब हो गया है का? अरे बीच में क्या चीज है? स्टार। बीच में क्या चीज है? स्टार। बीच में स्टार, बीच में स्टार। तो स्टार कहाँ रहेगा? तो बीच में नहीं है। बीच में स्टार नहीं दिख रहा है। स्टार ऑलवेज कहाँ पर आ रहा है? तो बीच में स्टार आया। पहले इस समझ लीजिए, सबसे पहला बार इसीलिए बताते हैं। फिगर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, यही नौ जगह रहता है। या तो ये कॉर्नर में माना जाएगा, या तो बीच में, या तो नीचे। यहाँ नहीं माना जाएगा, यहाँ नहीं माना जाएगा। या तो कॉर्नर में, या तो बीच में माना जाएगा। ऐसे ही मानना। अच्छा, टी के बारे में कह रहे हैं। अच्छा, ये मतलब कॉर्नर में लग रहा है इसीलिए ना। हाँ सही पकड़े, गलती लिखा ये गया। टी जल्दीबाजी में नीचे लिखा गया, यही ना। सही में गलती लिखा गया। चलिए टी को कहाँ कर दिया जाए? नहीं तब गलती हो जाएगा, तब क्वेश्चन एरर आ जाएगा। यही दोनों को सुधार दिया जाए, लेकिन तब फिर आंसर गलती हो जाएगा। हम अभी किसको? एम्स को न चलाए। एम स्टार यहाँ पर क्या रहेगा? तब तो अढ़ाई स्टेप वहां नहीं ना होगा। चार नंबर नहीं ना होगा। चलिए ये हो गया क्या चीज? टी। यहां पर क्या होगा? स्टार। यहां पर क्या होगा? एम। फिर से देखा जाए, क्या स्टेप बढ़ाना है? अढ़ाई स्टेप तो नहीं बढ़ा पाए।
फिर से आधा, एक, डेढ़, दो, ढाई। टी कहाँ पर होगा? अब पीछे का दोनों फिगर कहाँ आ जाएगा? आगे। आंसर ऐसे, हाँ थोड़ा सा गलती हो गया। चार नंबर कैसे होगा? हाँ, चार नंबर में पीछे का फिगर आगे नहीं किए, और दूसरा तो गलती है कि स्टार बीच में होना चाहिए। आंसर तो शुरू फर्स्ट लुक में दो ही हो सकता है, या तो दो नंबर या तो पांच नंबर। दो नंबर में क्या गलती है? नहीं, टी का पोजीशन ठीक नहीं है, टी का पोजीशन ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर कितना? पांच। दो नंबर बोला जाए तो बोलिए, पहला से दूसरा में क्या हुआ? ये दोनों बदला, ये दोनों फिगर पोजीशन इंटरचेंज किया, आप पी अपना सेम प्लेस पर है। चलिए सेकंड से थर्ड में क्या हुआ? ऊपर वाला बीच वाले से पोजीशन इंटरचेंज किया। अब सेकंड से थर्ड में क्या हुआ? अति सेकंड से थर्ड नहीं ना, थर्ड से फोर्थ में, तो ये दोनों पोजीशन चेंज किया। चलिए अब फोर्थ से फिफ्थ में क्या हुआ? ये दोनों चेंज, तो अब यहाँ पर देख लीजिए, ये नीचे वाला दोनों चेंज करने के बाद कौन चेंज करता है? ऊपर वाला। तो ये दोनों पोजीशन इंटरचेंज करेगा, तो यहाँ टी, यहाँ एम, आप पी अपने प्लेस पर रहेगा। तो आंसर हो गया दोनों।
बोला जाए। तीन नंबर, क्या हो रहा है इसमें? तो आइए पहला से दूसरा में थोड़ा ध्यान देते हैं। तो ये बीच वाला फिगर चला गया यहाँ पर ऊपर में, और ऊपर वाला आ गया नीचे में। आई टी के प्लेस पर कौन आ गया? एस आ गया। ये जो एक न्यू फिगर एस आया है वो किसके बदले? तो टी बीच में जा करके एक नया फिगर में बदल गया है। आई दोनों ऊपर की ओर खिसक गया थे, ऊपर जाके एम हो गया, ऊपर जाके कहाँ गया? नीचे। एक और चेक कर लेते हैं। तो ये बोलिए नया फिगर किसके बदले आया? नया फिगर इसमें कौन है, किसके बदले? तो पी बीच में जा करके न्यू फिगर में कन्वर्ट हो गया, एस और ऊपर खिसका, आई एम ऊपर से कहाँ गया? तो यही बात सब में हो रहा है। तो आइए इसमें नया फिगर किसके प्लेस पर कन्वर्ट करेगा? आर के जगह पर। आर यहाँ जा करके न्यू फिगर में बदलेगा, जी जाएगा ऊपर, आ क्यू आ जाएगा नीचे। तो ऊपर में जी और नीचे में क्यू किस में है? तो एगो है एक में, एक है किस में? तीन में। तो बोलिए क्या आर न्यू फिगर है? क्या एन न्यू फिगर है? तो आंसर हो गया तीन नंबर। बोला जाए तो दो तरह से, पहला तो लाइनिंग गिन के बनाइए। लाइनिंग गिन के नहीं बन पाता है, दो गो में सेम है, तब फिर नियम से सोचना होगा। ऐसे नियम से ही आपको बता रहे हैं पहले। ये बोलिए पहला से दूसरा में क्या हुआ? हाँ, ऊपर का यह एक लाइन छोड़ दिया गया, एक लाइन छोड़ दिया गया, तो यहाँ से स्टार्टिंग होगा ना। तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात लाइन, एक दो तीन चार पाँच छः सात लाइन, के गो लाइन बढ़ गया है? तीन गो बढ़ गया, हालांकि बढ़ाना था दो गो। चलिए आगे में सोचिए, फिर ऊपर का यह लाइन एक हट गया, तो यहाँ से शुरू होगा ना। तो आइए गिनिए, एक
दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ गो। अब यहाँ से शुरू है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, के गो लाइन बढ़ गया दो गो। पहला में के गो बढ़ा, तीन गो, दूसरा में दो गो, इस सब में हम दो दो को बढ़ाए थे, लगता है वो ज़्यादा लिखा गया। खैर छोड़िए, ऊपर वाला में अब ये छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से गिनिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस गो। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दो गो और है, के गो बढ़ गया, दो गो बढ़ गया। चलिए फिर ऊपर वाला एक किया, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से काउंट करिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, एक गो बढ़ गया, एक गो। फिर से एक बार देखा जाए, कहाँ से गिनना है, ऊपर वाला छोड़ के ना, ऊपर वाला के गो छोड़ के, या पहले ही देखिए ऊपर में के गो लाइन छूटा है, एक गो सब में ऊपर में एक गो छूटा है ना, नीचे में बढ़ा के गो है, ये देखे तो नीचे में के गो बढ़ा है, तीन गो बढ़ गया, नहीं चलिए तीन गो, यहाँ तक तो था ही, यहाँ तक था ना, तीन गो बढ़ा है, यहाँ देखे तो के गो बढ़ा है, यहाँ बढ़ गया है दो गो, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ तक तो था, मतलब यहाँ तक था दो गो बढ़ा है, इसमें देख लीजिए एक के गो बढ़ा है ना, एक गो और यहाँ बना देते हैं, गिनने में गलती हो गया, यहाँ पर एक और बढ़ा देते हैं, एक के गो बढ़ जाएगा दो गो। हम मतलब सोच के यही बनाए थे कि सब में दो दो गो बढ़ाना है, लेकिन एक गो ज़्यादा गिना गया, हाँ एगो में ज़्यादा गिना गया, तो क्या करें, सुधारेंगे तो बहुत जगह सुधारना पड़ जाएगा, फिर संभव नहीं है। तो खैर छोड़िए, पहला बार का ऐसे छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब भी नहीं है, सीरीज तो भी चल जाएगा, तीन बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा, तो फिर क्या बढ़ेगा, दो बढ़ेगा, तो ऊपर में एगो कम करना है, ऊपर में क्या करना है, एगो कम करना है, तो ऊपर में ये वाला लाइन छोड़ दीजिएगा, तो यहाँ से शुरू होगा ना, तो यहाँ से शुरू किस में है, तो एक इसमें है और एक इसमें है, बाकी किसी में नहीं, और नीचे के गो लाइन बढ़ाना है, दो लाइन बढ़ाना है, तो ये देखिए यहाँ तक तो है ही ये, इसके बाद एक जाएगा आपको इधर और एक जाएगा इधर, तो देखिए तो कौन नंबर में है, दो नंबर आंसर। हम सोच के यही लिखे थे कि सब में दो दो को बढ़ाना, लेकिन गलती से गो में तीन बढ़ गया, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उस गिन के ही बनता है, एक तरफ से एगो छोड़ेगा एक तरफ से एगो जोड़ता है। टाइम हो गया का, जाइए तब।